श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को शिवनाथ नदी स्थित मंदिर में दिखी भक्तों की भीड़। वहीं भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाकर किया जलाभिषेक। दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर सोमवार को श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। शिवनाथ नदी में आस्था की डुबकी लगाकर तट किनारे स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर जलाभिषेक करते हुए श्रद्धालु नजर आए। इसी कड़ी में कांवड़ियों द्वारा भी शिवनाथ नदी से जलाभिषेक करने जल भरकर रवाना हुए। इस संबंध में मंदिर के पुजारी ने न्यूज टीम को इस दिन का लाभ बताया। दूसरा सोमवार है, आज सावन की अमावस्या है और अमावस्या को हरेली का त्यौहार मनाया जाता है, जो प्रकृति का त्यौहार है। और इस त्यौहार में आज बहुत वर्ष के बाद अधिक मास में हरेली पड़ी है। उसके पूर्व 1919 में पड़ी थी, अब पड़ी है। 35 साल पहले सावन में हरेली के दिन सोमती अमावस पड़ी थी। इसका विशेष महत्व है क्योंकि सोमवार के दिन अमावस के दिन जो आदमी दान करता है उसको सभी प्रकार की ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। और हरेली के दिन अमावस पड़ने में हमारे पितरों के मोक्ष के लिए यह अमावस मानी गई है। सुबह 5 बजे से मूसलाधार वर्षा हो रही है और 5 बजे से ही यहाँ पब्लिक का आना जाना चालू है और इतनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है जिसका कोई हद नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।